कैसे आप लोग? यही सुनना था मुझे। आप लोग ऐसे प्लेस में हैं जहाँ पर सरस्वती लक्ष्मी का वास है। एंड ये कहने की मुझे मैंने इससे पहले मैं जितनी बार आया मैं कहा नहीं, लेकिन यकीन मानिए डे बाय डे जीवनी से आपकी जब भी मुलाकात होती तो कहते हैं ना सब कुछ होने के बाद स्पिरिचुअलिटी आपकी लेट आती है, जिस पे आप फोकस रखो वो पहले आ जाता है। तो आपका अभी का जो फोकस होगा बहुत स्ट्रांग बनाइए उसको, और अभी यू आर लकी, इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं सर, इतने प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। एंड पहले जो हमको 6-6 साल लगते थे उस दौर तक पहुंचने के, आपको पता है 15-20 दिन में पहुंच जाओगे। आपका एफर्ट, आपको यहाँ से निकलने के बाद इतने डोर्स, हम लोगों के लिए उतने डोर्स नहीं थे, हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके साथ में जाना पड़ा था। आर यू लकी सीरियसली? और मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा जो आपको बहुत बहुत उपयोगी होंगी। आपको क्या लगता है कि कितने जल्दी आप लोग, आई एम श्योर सब लोग एक्टिंग के लिए आए, सब लोग आपको एक बात और बता दूं कि एक्टिंग के लिए जब आते हैं ना लोग और उनके सामने उससे भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती है और उससे परे हो जाते हैं, ऐसा काम कभी मत करना। अभी मालूम नहीं रहता है कि लोग कहते हैं संजय लीला भंसाली कोरियोग्राफर बनने के लिए आए थे, बहुत बड़े डायरेक्टर बने। तो ऐसा होता है कि आपको जो चाहिए उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत आती है, अच्छे आपके अंदर अच्छा विलन होगा, अच्छा कॉमेडियन होगा, अच्छा कंपेयर होगा, है ना, अच्छा एक्टर तो होगा ही, होना ही है, इधर है तो आप अच्छा एक्टर होना है, पर सबसे अच्छे इंसान आप यहां बनते हैं, क्योंकि एक ही चीज ऐसी है, एक्टर को अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रांग स्पिरिचुअल। आप अपनी ईगो को बाजू में रख के वहां पर जाइए, हो सकता है आपको बहुत बार, पहले जैसा नहीं है, नो पहले गालियां वाले बहुत देते थे, गालियां बहुत देते थे, अभी उतना नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हैं, अच्छे ही लोग हैं। आपको अगर बुरा ये है आपके दिमाग में तो बुरे लोग मिलते भी, लेकिन अगर आप अच्छे लोगों से मिलना चाहते हो चाहो अच्छे ही लोग। और अभी अभी हम लोगों पिछले 8-10 सालों से सारे अच्छे लोग मिले, हम लोग खामखा परेशान होते थे कि अरे यार पता नहीं यार इधर क्या होगा, अरे नहीं होगा यार इधर, इधर कुछ नहीं होगा यार, इधर कितनी गर्दी है। नो, उस गर्दी में से जिसने पहले नंबर पे गया था उसको पता चला फेलियर क्या होता है, सेकंड वाले पे वो डर था, वो पहला तो गया ना चल ठीक है, 10वें नंबर पे था यार कूल यार मेरे को 10 ऑप्शन मिले देखने के लिए, जब 150 बार जाता है ना तो उसको पता नहीं यार मैंने 150 देखे लेकिन उसका चेहरा तो वैसा ही मक्खी भी नहीं उड़ रही है ना, ऑडिशन की लाइन की बात करो, लेकिन वो 150 में से ही कुछ कुछ कॉन्फिडेंस दिखता है जिन लोगों को, वो उनको चुन के वापस वो 50 लोगों को वापस ऑडिशन दिया जाता है, आपका अच्छा था आपका अच्छा था, क्योंकि ना ऑडिशन देना इज नॉट फाइनल थिंग, नो, ऑडिशन में सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस क्या बोलता है, सिर्फ लाइनें अगर आप बोलते हो ना तो दैट इज नॉट नॉट एन ऑडिशन, सिर्फ लाइनें नहीं बोलनी, आप क्या व्यक्त होते हो उस डायलॉग में, उस पर्सनालिटी को आप कैसे कनेक्ट करते हो उस डायलॉग में, कितना आपका रस भरते हो, क्या है ना, आपका रस अलग होगा, आपका अलग होगा, आपकी टेस्ट अलग होगी, आपकी आवाज अलग होगी, आप सभी लोग फॉर एग्जांपल सभी लोगों को अगर एक पेंटिंग बरसात की शाम या बरसात की सुबह सबको अगर एक सब्जेक्ट पे तो सबका पेंटिंग अलग होगा, यू बिलीव देयर, यस यस, क्यों, वैसे एक्टिंग का सब्जेक्ट एक ही देंगे ना तो हर कोई अलग अलग करेगा, क्यों, और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेक्स यू क्लोजर टू द आपकी कसौटी लगेगी। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं गिफ्ट देता हूँ आज यहाँ पर मैं आया तो मेरा गिफ्ट देना बनता है, चलेगा? यस सर। सर किसका चाहिए आपको?
सब कुछ है। वाओ, सबसे पहले हाथ नीचे किसने किया? दो लोगों ने किया, मैंने देखा, मैं बोलूंगा नहीं, सब बात में बोल रहा हूँ। उनके लाइफ में ना थोड़ा सा स्ट्रेस है, बहुत जद्दोजहद चल रही है अंदर, तो थोड़ा सा जब भी आप कहीं भी ऑडिशन में जाओ तो कूल माइंड से जाओ, हैप्पीनेस सारी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत काम है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप एंजॉय करते हो ना कोई भी चीज, देखना कभी कभी आपको ऐसा, अरे क्या ऑडिशन दिया यार, ये मजा आ गया यार, अरे ऑडिशन में बिल्कुल मजा नहीं है, लेकिन दादा वो सामने वाला बस, कैन यू डू वन मोर, एक और देंगे आप प्लीज, क्यों होता है ऐसा, यू नो, बिकॉज आपकी अवेयरनेस, अलर्टनेस, आपका जो कॉन्शियस लेवल है बहुत हाई पे होता है, यू नो। और दूसरी चीज एक ऐसी है कि आप जब उस मोमेंट में होते हैं, उस मोमेंट में, यू नो व्हाट आई मीन, 100% वहां पर हो, उस स्क्रिप्ट के बारे में सोचना, उसको आवाज के बारे में कैसे हम लोग कल्टिवेट कर सकते हैं, उसको बॉडी लैंग्वेज से हम लोग कैसे सजा सकते हैं, कहां पर ब्रेक लेना है, कहां पर रुकना है। मैं क्यों आपसे बात कर रहा हूं पता है, आज से जाने के बाद इस पर आप मंचन करना, यहां से जाने के बाद मैंने जो जो चीजें पॉइंट जो पॉइंट आपको बताया उस पर सोचना। यहां पर कोहिनूर को ही कोहिनूर बनाया जाता है, पत्थर को नहीं, am I right? Yes, sir. क्योंकि अंदर से आपको वो वाली बात होनी चाहिए ना। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सब लोग, ये जितने भी हैं, सब लोग अपने अपने मकाम पे आने वाले 10 साल में अपने आप को देखोगे, ये मेरा प्रॉमिस। ये जो चेहरे पे जो वो दिख रहा है ना, वो जो एनर्जी दिख रही है, सब में ललक है, and I love this. सब लोग कितने 100% सुन रहा है सर, ये क्या नाम आपका? माहिर, माहिर, माइंड ब्लोइंग, कूल, वेरी गुड, एक्सेलेंट, आप बहुत अच्छे, आप, यू बहुत अच्छे, आई एम सो हैप्पी। और सब लोग, आज नहीं, किसी को 2 महीने में मिलेगा, किसी को 5 साल में, लेकिन 10 साल में हरे को अपने अपने मकाम पे अपने आपको देखोगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे पता है कि खाली बर्तन बहुत आवाज करते हैं, है ना, हो जाता है, अरे ठीक है यार, हाँ हो जा गया, खाली बर्तन क्या था? मैंने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, नो अगर बताया भी तो सीखा भी यहीं से है। तो ये मेरे अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। होमवर्क आपको क्या करना है ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है, होमवर्क डेली जाके नाटक देखना, एक भी मिस मत करना, आपका एक्सरसाइज है। अपने आप के कुछ कुछ डायलॉग्स की सीरीज आप बना लो, फॉर एग्जांपल मीना कुमारी है, या वैजयंती माला है, या पुराने जितने, सब पुराने से नए हो रहे हैं, याद रखना, हिंदी ही दिखेगी यहाँ पे, हिंदी फिल्में बन रही है, बॉलीवुड हिंदी, हिंदी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप पढ़ाकू बना लो अपने आप को, जितना आप इन्वेस्ट करोगे पढ़ने में उतनी हिंदी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। अगर हिंदी स्ट्रांग हुई ना तो गंदी कौन सी है हिंदी आपको अपने आप मालूम पड़ेगा, मैं करेक्ट है ना, तो गंदी हिंदी नहीं बोलनी आपको, आप कहां से है, गंदी हिंदी, गंदी अगर आपको वैसे तो फिर कैरेक्टर आप कर सकते हैं, कैरेक्टर के ही कई सारे आर्टिस्ट हैं, 200-200 फिल्में, 200-200 फिल्में, आई एम टेलिंग यू, वही सेम कैरेक्टर किया, कैरेक्टर आपको लीड करना है आपको, और अभी तो लीड भीड़ कुछ नहीं होता है, अभी कैरेक्टर इतने मशहूर हैं, प्लेटफॉर्म, OTT, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स, और इतने सारे लोग आप खुद ही चैनल से हीरो बन गए, एंड बाहर लोग बहुत आपको सपोर्ट करने के तैयार, बट आपके अंदर कंटेंट पढ़े, कंटेंट मैंने बोला डायलॉग की सीरीज आपकी, मीना कुमारी के आप 10 डायलॉग बैठ कर लो, आप वैजयंती माला के कर लो, आप कैटरीना के कर लो, आप ऋतिक के कर लो, पुराने बच्चन साहब के कर लो, कितने सारे हैं यार, लेकिन विदाउट उन 10-15 डायलॉग्स के, मतलब खाली लेके मत जाना अपने आप,
अरे क्या आया, क्या आया ये, क्या ओके देखा ओके, ये आपका होमवर्क होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यू नो यहाँ पर एक एक्सरसाइज पढ़ाई जाती है, स्क्रिप्ट बाय हार्ट करना सबको याद, एक्सरसाइज सबको याद मालूम है, अभी मैं बोलूँ तो सबको आएगा पिक्चर्स मेमोरीज फैंटास्टिक, यही चीज है, लेकिन है ना वो प्रैक्टिस से आएगा, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो ही वहां पर आपको फल मिलेगा, तो अपने आप को प्रैक्टिस में रखना, इम्तिहान में रखना रोज अपने आप को, रोज ऐसा कोई खाली समय अरे यार ठीक है अभी रिलैक्स है, नो रिलैक्स, आपको कितनी जल्दी सक्सेस चाहिए और सक्सेस के पैरामीटर्स क्या है आपको कितनी घटना नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम है ना, तो आप बाहर जब भी जाओगे पूरे तैयारी, जब लड़ोगे तो खाली हाथ जाओगे क्या, कि सामने वाले बस कितने हथियार है आपको नहीं मालूम है ना, दो ही चीजों में लोग डरते नहीं, सामने वाले को मालूम होता है कि इसके पास हथियार है और ये इसलिए नहीं डरता है कि यार उसके पास भी बंदूक है मेरे पास भी बंदूक है, लेकिन जिसके पास खाली बंदूक होती है कितना डरता है, उसको मालूम मेरी बंदूक खाली है तो क्या बंदूक का फायदा है, हमेशा लोडेड होनी चाहिए, तो लोडेड जब जाओगे तो आपको बहुत कमाल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, देखो सक्सेस मिलना ना मिलना वो अलग बात है, आपने 100% एफर्ट नहीं दिए तो आप अपने आप के साथ अन्याय करेक्ट है, आपको हो सकता है उसके ऊपर आप कहीं यहाँ से जाने के बाद तुरंत ही आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि अरे यार मेरा एसोसिएट बन गया, अरे मेरे असिस्ट करोगे क्या, तुरंत कर लेना, वो हो सकता है आपको बहुत क्लोज जाने का मौका मिल रहा है डायरेक्टर के और एक्टर के और उस प्रोजेक्ट के, आप खा पी लोगे यार, रच बस जाओगे यार उसमें, है ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़ना ही मत कहीं से भी आपको लगता है कि यार, और यहाँ से तो आपको बहुत सारी चीजें और मिलेंगी, बिल्कुल पेट भर लेना यहाँ से, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये जो स्थान है ये मंदिर है मेरे लिए तो है और हमेशा रहेगा, यहाँ से मैंने वो मैंने स्कॉलरशिप ली थी यहाँ से, है ना, तो मुझे आज भी मैं भूल नहीं सकता हूँ, भूल नहीं थी मुझे याद है इसके पास के मेले तो वो मुझे बहुत काम है जिंदगी में, जब भी आपको नर्वस फील होता है तो मुझे किशोर नवी जी की कोई बातें याद आती है, फेक इट टिल यू मेक इट, एंड वही एक चीज है, आप बच्चन साहब भी आपके सामने खड़े हो ना तो ये डायलॉग आपको पूरा अंडरलाइन करके सामने खड़ा, आप खड़े हो जाओ और फिर देखना उसका करिश्मा, फेक इट टिल मेक इट, बच्चन साहब आपको पूछे, मैंने अभी बहुत शेयर किया था, रजनी सर मुझे पूछ रहे थे और उन्होंने 20 मिनट तक बात की मुझे, गहराई आप क्या देखते हो, आप क्या देखते हो, आप कौन सा संगीत सुनते हो, ये क्वेश्चंस थे उनके, तो वो चीज हमेशा याद रखना, एंड ये चीज आपको पूरा आपका पंक्चर्स जितने भी हो ना सब निकाल दे, एक ही डायलॉग फेक इट टिल मेक इट, एक्टर है ना, और मैंने जैसे पहले शुरू होने से पहले मैंने बोला था आपको इंसान अच्छा ही है उसमें 99% भी नहीं चले पूरा 100% ही होना चाहिए, वो चीज़ आपको अपने फैमिली लाइफ में काम आएगी, पर्सनल लाइफ में काम आएगी, प्रोफेशनल लाइफ में काम आएगी, और कुछ भी नहीं हुए 1% अगर 1% तो कुछ भी नहीं हुए ना तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाओगे इस चीज़ ये बहुत बड़ा करिश्मा, हम लोग यहाँ पर आए थे तो मुझे सर ने बोला आज के बाद मिमिक्री अगर मैंने तुझे करते हुए देखा यू आर गुड एक्टर, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया था ना वो स्टेप ही, मैं इस मंदिर के स्टेप पे जब पहला कदम रखा तो मैं यार मैं कहाँ आया हूँ, मैं मेरा पिमिक्री ठीक, बट वो एक ब्लॉक था और यहाँ पर आने के बाद मैं हमारा ही एक बैच का ऐसा था 6 महीने चला था एक्सरसाइज करने मिले और वो आज भी मैंने बाईश ने मुझे पहली बार डायरेक्ट किया था एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ
तब सर मुझे बोलते तू बहुत अच्छा एक्टर बहुत अच्छा ये ले दे जॉनी लीवर जी ने मुझे फोन किया ए नवीन तेरा मैंने देखा यार तू यार गुड एक्टर बहुत अच्छा एक्टर है तू यार मैंने केन के में मैं गया था आज फैकल्टी है मुझे वहां पे फिल्म दिखाया तूने अच्छा एक्टिंग किया रे बहुत अच्छा कर तू एक्टिंग कर अभी जो कॉमेडी करने वाले ही मेरे गुरु हैं कोई मुझे बोले एक्टिंग कर तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए मैंने कहा यस अभी तक मैंने 12 मराठी फिल्में की चली और 20 फिल्में एज अ सपोर्टिंग कास्ट किया जब मुझे मालूम नहीं था चल यार कर लेते हैं क्या करते हैं बट यस वो टाइम मेरा सीखने का और साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग माय लाइव कॉन्सर्ट मेरे देश विदेश में मेरे शोज होते हैं कॉमेडी के और मैंने उसको कभी अंडररेट नहीं किया और अभी मैं सर से शेयर कर रहा था कि मैंने अभी क्यों शुरू किया इससे पहले होना चाहिए था मुझे मगर नहीं सर कहते हैं नहीं जो होता है वो टाइम अलाइनमेंट होता है तो टाइम अलाइनमेंट के साथ रहना आपको अच्छी तरह आ जाएगा बट यू नो एक चीज़ है अपने आप का एंटरटेनमेंट आप ही को करना है ऐसा कोई डिवाइस नहीं बनना चाहिए आप अगर हैप्पी होना तो ही आप सामने वाले को हैप्पी कर सकते हैं पर्सनल डिवाइस आपको डेवलप करना पड़ेगा वो प्रैक्टिस अंदर से रखनी पड़ेगी अपने आप को खुश रखने की और आपका खुश रहना किस पे डिपेंड है आपके होमवर्क पे अच्छा पढ़ो अच्छा देखो नाटक में रखो अपने आप को हमेशा उस चीज में रखो जो आपके पैशन है करेक्ट है ना गाना कितना अच्छा गा सकते हो आप अगर यहाँ है 100% बहुत अच्छे सिंगर हो सिंगर मतलब मेरा मतलब सुर से नहीं है बहुत अच्छा गा सकते सिंक कर सकते हैं ना अपने आप को गाना को कितने अच्छे तरह एक कोई भी गाना अपना फेवरेट गा लो फेवरेट गाना कोई भी गावा मैं बताता हूँ परफेक्ट रिदम अब मालूम सुर और संगीत के लैंग्वेज में सुर 19-20 हो जाए चलेगा बेताला नहीं होना चाहिए बेताला इज नॉट अप्रिशिएटेड अब होता है रिदम लाइफ का बहुत जरूरी है इसके लिए संगीत आपको नो आपके अंदर होना जरूरी आर्टिस्ट में संगीत होना चाहिए तो अच्छा संगीत सुनना आपका लाजमी अच्छा पढ़ो आप जोशी से लेकर प्रेमचंद आपका सब्जेक्ट है किताब कोई भी इंग्लिश मराठी हिंदी तो पढ़ो मातृभाषा अगर आपकी स्ट्रांग है आप बिलीवर हैं तो मातृभाषा सबसे पहले आप उसकी जितनी भी किताबें हैं सब घोड़ा फिर एंटरटेनमेंट आपको कैसे आएगा नहीं आता हम लोग आप एंटरटेनर हो ना तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट अपने आप आने चाहिए बाहर कितनी सारी कविताएं हैं लिखो एंड जब पढ़ोगे तो अच्छा लिखोगे अच्छा इम्प्रोवाइज कर सकोगे करेक्ट अच्छा अभी तक ऑनेस्टली बोला अभी तक कितने लोगों ने ऑडिशन के लिए आप तीर मार चुके हैं कितने वेरी गुड दो मजा आया फेल होने में फेल होने में मजा आया कि नहीं प्रोसेस बहुत बढ़िया आप मजे लिए ना फेल होने के भी मजे लेने चाहिए मैं इस बात को बहुत मानता हूँ अगर आपका जॉय नहीं है उसमें तो आप वहां पे खामखा गए अपने टाइम बिगाड़ा अरे हाँ यार मैंने किया आज वो उसने ये बोला यार मैंने यहाँ पर ये करना चाहिए था मैं क्यों नहीं किया अगर ये आग आप में नहीं है ना नहीं लग रही है तो ये वेस्टिंग योर टाइम और अपना टाइम बहुत कीमती है वैल्यूएबल टाइम है अपने आप को इन्वेस्ट करना इन सारी चीज़ों में समाचार खत्म हम लोग मैं सर ने जैसे बताया था कि हम जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं आपको एक बात मैं गिफ्ट करना चाहूँगा जैसे मैंने कहा कि अपने अपने डायलॉग्स कर ले अरे अरे 15 के नीचे नहीं होने चाहिए 15 से ज़्यादा हो तो और अच्छा है 15 बड़े बड़े डायलॉग तैयारी करके जाना अगर कहीं आपको लगता है कि अरे आप सेलेक्ट हो गए आप सेलेक्ट हो गया और यार अपना कुछ बताओ ऐसा बोला कौन सा चाहिए बोल में जानता नहीं
ये बैर ये अलग दिखना चाहिए कैमरा के सामने। आप जितना कॉन्फिडेंस के जाओगे आपके हथियार बगैर धार के तलवार अगर रहे ना आप कट के मर जाओ, शार्प करके जाओ अपने आप को यार। और बी अ लीडर, आप अगर तीन लोग आपके साथ रहते हैं, चार लोग आपके साथ रहते हैं, 15 लोग आपके साथ रहते हैं, उस ग्रुप के आप लीडर ही बनो। पीछे में नहीं रुकते हैं, तू करना है क्या नहीं, यू आर अ लीडर, ठीक है। ये बात यहां से आप कसम खा के जाना नहीं चलेगा। आप लोग पीछे बैक डांसर हो क्या, पासिंग वाले नहीं हो आप, यू आर अ लीडर, बी अ लीडर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ लेके जाना। और अपने आप का जो कॉन्शियस लेवल है कभी डाउन नहीं चाहिए, कभी डाउन नहीं करना। सुबह अगर आप उठते हो तो उसी एनर्जी में आप जाओ, अपने आप के चैलेंज करो, डेली रूटीन आप बनाओ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, यस मुझे 2 महीने के अंदर मैं ये करूंगा। छोटे छोटे टारगेट दो अपने आप, चैलेंजेस दो, बहुत मजा आएगा, मैं टेलिंग बहुत मजा आएगा। यू एंजॉय दिस प्रोसेस, यहां पर हो तब तक तो आप ये कर ही लेना, यहां से जाने के बाद आपको मजा आएगा। यू मिस दिस प्लेस जो मैं अभी भी मिस कर रहा हूं, ये कहां पता नहीं आपको कहां लेके जाएगी ये चीज। इस चीज में देखो स्कूल में आपने कितना बायट किया, 70-60%, 50%, कोई देखने नहीं आया। कॉलेज में कितना अचीव किया, 70%, 80%, 90%, कितना काम आया मुझे बताओ, आएगा आगे कोई आपका, अरे 12th में कितना आया, कॉलेज में कितना आया बता, ऐसे कोई देखने वाला है नहीं। बिकॉज करिकुलर वो जो स्कूल एकेडमिक वो सब कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ, लेकिन यहाँ पे जो चीज सीखोगे ना वो आप जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। आपकी बाय हार्ट करोगे तो दिखेगा, दिखेगा तो इम्प्रेशन है, अच्छी इम्प्रेशन है, दिखेगा तो बिकेगा।